167 रुपये नरेगा मजदूर वाली दिहाड़ी के उपर अगर तुहाडे कोल बेरोजगारां दी भी फौज आउण वास्ते तैयार आ तां अज असी 3000 हल्कियां दीआं कलमां उहनां नूं भेंट करदे आं। अज 3000 हल्कियां दा पेन डाउन बिल्कुल करदे आं। जो सीएम साहब दा इह वी बयान आ कि 1.5-1.5 लाख रुपया तनखाह लैंदे ने, आ सारी पंजाब पार्टी इत्थे बैठी आ, किसी एक कनगो की एक पटवारी की वो 1.5 लाख की तनखाह साबित कर देन, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठ के यहोजे झूठे बयान देने उन्होंने शोभा नहीं देंगे। और जो उन्होंने आपके वालों कार्रवाई करनी वह बिल्कुल स्वागत करांगे। अगर इस चलते संघर्ष के पंजाब का कोई भी कलैक्टर किसी साडे कनगो किसी साडे पटवारी वाधू काम थोपण की कोशिश करता, उस कलैक्टर के खिलाफ बाई नेम मनुखी अधिकारां दी उलंघना के तहत मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के विच दी रैवी नूं पटवार यूनियन ऑफ दी रैवी नूं कनगो एसोसीएशन बाई नेम मुकदमा दर्ज कराऊगी। उन्हां नूं हथ जोड़ के अपील करदा कि जे तुसीं B.R. अंबेदकर साहब का संविधान ही नहीं मनना, तुसीं एक संघर्षां चों निकली हुई पार्टी इस तरीके नाल तुसीं मुलाजमां दा गल घुटण वास्ते तैयार बैठे हो, तो वह तस्वीर अज ही आपके दफ्तरां चों उतार दो। तुहानूं वह तस्वीर लगाउण दा कोई हक नहीं, चाहे वह सरदार भगत सिंह शहीद आजम की तस्वीर आ, चाहे डॉक्टर B.R. अंबेदकर की तस्वीर। अज असी इस स्टेज तो मुख्यमंत्री पंजाब जी नूं फिर निम्रता सहित बेनती करदे आं कि पंजाब नूं रंगला बनाउण दे लई 167 रुपये नरेगा मजदूर वाली दिहाड़ी दे उपर अगर तुहाडे कोल बेरोजगारां दी कोई फौज आउण वास्ते तैयार आ तां अज असी 3000 हल्कियां दीआं कलमां उहनां नूं भेंट करदे आं। अज 3000 हल्कियां दा पेन डाउन बिल्कुल करदे आं, जिहड़ा असी वाधू गलबा साडे ते चाढ़िया होया सी, अज बिल्कुल वो हल्कियां दी पेन डाउन आ। और जो उन्होंने आपके वालों कार्रवाई करनी वह बिल्कुल स्वागत करांगे, क्योंकि मनुखी अधिकारां दी उलंघना नहीं की जा सकती। इस चलते संघर्ष के जो असी वाधू काम कनगो दे पटवारियों ने अज तो 31 तरीक आ 1 सितंबर तो साडा नवा जरायती साल शुरू हुंदा, जो साडे कोल डे बुक आ जिहनूं असी रोजनामता जो रोजनामचा वाकियाती कहिंदे आ, सिर्फ पक्के सर्कलां दे रोजनामचा वाकियाती लै जाणगे, पक्के सर्कलां दे सारे काम किए जाणगे, हड़ां दे काम किए जाणगे, इस तों अलावा कोई काम पटवारी कनगो वालों वाधू तौर पर नहीं किया जाऊगा। अगर इस चलते संघर्ष के पंजाब का कोई भी कलैक्टर किसी साडे कनगो किसी साडे पटवारी वाधू काम थोपण की कोशिश करता, उस कलैक्टर के खिलाफ बाई नेम मनुखी अधिकारां दी उलंघना के तहत मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के विच दी रैवी नूं पटवार यूनियन ऑफ दी रैवी नूं कनगो एसोसीएशन बाई नेम मुकदमा दर्ज कराऊगी, उत्थे चाराजोई करेगी। उस कलैक्टर नूं बाई नेम पार्टी बनाया जाऊगा जिहड़ा साडे किसी पटवारी नाल किसी कनगो नाल उहदे मनुखी अधिकारां दी उलंघना करदे होए उहदे अधिकार खेत्र की उलंघना करते हुए उहनूं वाधू काम थोपदा। और अज तों जो साडे पेन डाउन दा ऐलान आ उह जिहड़ा एसमा जो इन्हां ने 31 अक्तूबर तक मानयोग कैप सिन्हा जी वल्लों चिट्ठी निकली आ, उह बड़े कानून दे माहर ने, उहनूं भी हाई कोर्ट दे विच जथेबंदी चैलेंज करेगी, क्योंकि सीधी सीधी मनुखी अधिकारां दी उलंघना, भारतीय संविधान की उलंघना। और जो तस्वीर मुख्यमंत्री साहब ने अपने दफ्तर के लगाइया ने और सरकारी दफ्तर लगाइया ने, मैं इतों उन्होंने हाथ जोड़ के अपील करदा कि जे तुसी B.R. अंबेदकर साहब का संविधान ही नहीं मनना, तुसी एक संघर्षा चों निकली हुई पार्टी इस तरीके मुलाजमान का गल घुटन वास्ते तैयार बैठे हो, तो वो तस्वीर अज ही आपके दफ्तर चों उतार दो। तुहानूं वो तस्वीर लगाउण का कोई हक नहीं, चाहे वह सरदार भगत सिंह शहीद आजम की तस्वीर आ, चाहे डॉक्टर B.R. अंबेदकर की तस्वीर आ। और इतों मैं ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ। 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਰੈਵੀਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ, 1 ਸਰਕਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ 1.5-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਨਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 1090 ਪਟਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀ 167 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ, असी 3000 सर्कल की पेन डाउन करके चले हाँ। सवेर में सवाल तो इस गल का कि तो तुम अपने बयान से पक्के रहो, उन्होंने 3000 सर्कलों के उपर 167 रुपये दिहाड़ी के नौजवान भर्ती करो।
चाहे आपके वलंटियर कर लियो, असीं इत्थों इह वी चैलेंज करदे आ जो वाधू काम असीं अज तों बिल्कुल बंद कर दिता उहदी बिल्कुल पैन डाउन असीं किसी गल तों पिछे नहीं हटांगे। जो ऐलान दी रेवेन्यू पटवार यूनियन ने कानून यूनियन ने किया वह बिल्कुल संविधान के दायरे में रहिंदिआं किया, कोई असीं किसी तरीके की वायलेशन नहीं। पर जो रोल पिछले दिनों के अफसरशाही वालों साढ़े संघर्ष को बदनाम करने लिए और जो मीडिया के कुछ हिस्से वालों चलाया जा रहा, मैं उसकी जरूर निंदा करदा, क्योंकि साडा कोई भी मसला करप्शन नाल जुड़िया नहीं है। करप्शन के जे सरकार 0% टॉलरेंस रख रही आ, जो देश का कानून आ वह पग का रंग बदलने नहीं बदलिया, वह कानून के अनुसार कार्रवाई होवे, चाहे बिजनेस ब्यूरो करे, चाहे पुलिस विभाग करे, जो भी करे, वो किसी भी साथी की मनुखी अधिकारों की उलंघना नहीं होनी चाहिए।